सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल हम आपको बताते चले कि घटना घटित होने के बाद नालंदा जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी के बीच अब तक पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि जिन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इन लोगों के द्वारा उस क्षेत्र में शराब का धंधा किया जाता है। इस मामले में कुल सोसराय थाना क्षेत्र से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी निवासी मनोज राम का पुत्र राहुल कुमार, भुवनेश्वर राम का पुत्र सुनील राम एवं बड़ी पहाड़ी निवासी स्वर्गीय केसर साव का पुत्र मुन्ना कुमार, मंसूर नगर निवासी स्वर्गीय देव पासवान का पुत्र जितेंद्र पासवान उर्फ बोकड़ा एवं बड़ी पहाड़ी निवासी रामचंद्र साव का पुत्र मुन्ना कुमार शामिल है और लगातार अभी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है और शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो हम आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इस घटना के बाद सर्च अभियान चलाकर अब तक 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने अब तक 6 FIR दर्ज किए हैं। और इतना ही नहीं, इस मामले में सोसराय के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद को भी निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब हो कि कल यानी शनिवार को 15 जनवरी के दिन सोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है और अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, लगातार इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियोस।